और उसके लिए हमें चाहिए घिसा हुआ नारियल, एक कटोरी लापसी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट, गुड़ और घी। सब में पहला हम नारियल का दूध निकालेंगे, तो मैंने मिक्सर पॉट लियो, इसमें नारियल डालूंगी, घिसा हुआ नारियल है ये पूरा आधा कटोरी मैंने नारियल ली हूँ, इसका हमें मिल्क निकालना है, तो इसे पॉट में डालूँगी मैं और फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी और हमें इसे बारीक पेस्ट करना है, इसका दूध निकालना है। थोड़ा पानी डालूँगी और मिक्सी में अभी पीसूँगी, इसका दूध निकालिए। नारियल का दूध निकाल के तैयार है, इसे साइड में रख दूँगी मैं और हमें ड्राई फ्रूट को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 6 बादाम, 7 काजू, थोड़ी किशमिश, चारुली और एक दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ। अभी मैं ड्राई फ्रूट को काटूंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काटना है, इस तरह से हमें कट करना है पूरे ड्राई फ्रूट को। ड्राई फ्रूट हमारे कट के तैयार है, अभी हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे, मैं पहले रख चुकी हूँ और इसे गर्म होने देंगे। अभी मैं इसमें घी मिलाऊंगी, गैस को कम रखती हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। ये मैंने 3 चम्मच घी ली हूँ, ये चम्मच है छोटी, तो इसमें मैं ऐड करूँगी घी को। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे हम। गैस को फास्ट रखूँगी। घी गरम होने के बाद हमें ड्राई फ्रूट को पहला रोस्ट करना है हल्का ब्राउन। पहला मिलाऊंगी मैं दालचीनी का टुकड़ा, इसमें ऐड करूंगी और ये जो ड्राई फ्रूट है जो मैंने काट के रखी हूँ ये इसमें डालूंगी। हमें इसे थोड़ा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हम। ड्राई फ्रूट हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अभी मैं चारोली भी इसमें ऐड करूंगी और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी लापसी। ये मैंने 1.5 किलो लापसी ली हूँ, बारीक लापसी, ये इसमें ऐड करूंगी मैं और इसे हमें घी में अच्छे से मिक्स करना है, बारीक आंच में इसे अच्छे से पकाना है, थोड़ा भूनना है हमें लापसी को, बारीक आंच में इसे भूनिए। लापसी हमारी भून के तैयार है, अभी इसमें मैं मिलाऊंगी इलायची पाउडर, ये मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करूंगी इसमें, इसे मिक्स करूंगी मैं। फिर इसमें मैं गुड़ मिलाऊंगी, मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है, इसे बारीक टुकड़ों में काटिए और अभी इसमें मैं ऐड करूंगी गुड़ को। और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पिघलने देंगे, कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे इसमें, तो अच्छे से मिक्स कीजिए और गुड़ को पिघलने दीजिए। गुड़ हमारा पिघल चुका है अच्छे से लापसी में, अभी हम इसमें नारियल का दूध मिलाएंगे, गैस को कम ही रखेंगे और इसे नारियल का दूध मैं ऐड करूंगी धीरे धीरे और चम्मच से इसे चलाते रहना है। इसे मिक्स करेंगे, फिर इसमें मैं पानी भी मिलाऊंगी, क्योंकि लापसी पकने में टाइम जाता है और उसे पानी ज्यादा लगता है, तो अभी मैं पानी भी इसमें ऐड करूंगी। गर्म पानी ऐड करना है हमें, क्योंकि ठंडा पानी ऐड करेंगे तो पकने में टाइम लग जाएगा। पानी मिला रही हूँ मैं, आधा मग पानी मिलाऊंगी इसमें
और हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को फास्ट रखेंगे और इसे उबाल आने देंगे। लापसी में उबाल आ चुका है और अगर आपको लगेगा कि पानी की ज़रूरत है और पानी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें गर्म पानी डाल के फिर इसे पका सकते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी इसे मैं दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए, कम आँच में ढक्कन रख के इसे दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटाऊंगी मैं और देखूंगी लापसी पकी है क्या। ये देखिए लापसी के दाने फूल चुके हैं अच्छी तरह से, इसका मतलब लापसी पक चुकी है। और यकीन मानिए इसमें नारियल का दूध और गुड़ डालने से बहुत टेस्टी बनती है ये। अभी हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए तैयार है हमारी लापसी और इसे ज़रूर बनाइए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।